अब मेरा एक पेशेंट लेटा हुआ है संजना, इसका हम ग्रोथ स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले जो ये अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रोब होता है, इसको हम पेशेंट के टमी पे रख देते हैं, सबसे ऊपर प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट ऊपर रख देते हैं। तो इसमें अब हम आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं, आप स्क्रीन पे फोकस करिएगा। ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, गोल गोल सा बॉल की तरह दिख रहा है, ये बच्चे का हेड है, बच्चे का सिर है। एक पैरामीटर लेते हैं बीपीडी, जिसे बाई पैराइटल डायमीटर कहते हैं। इसमें बच्चे का हेड का सरकमफेरेंस ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका ये आया है 30 वीक्स का बेबी है। इसके बाद हम बच्चे का जो पेट होता है, टमी होती है, उसकी गोलाई ले लेते हैं, जिसे एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कहते हैं। ये बच्चे की टमी है, ये पूरा बच्चे का टमी है, ये बच्चे का हार्ट है, यहाँ पे ये कलर आ रहा है, ये बच्चे का हार्ट है। हार्ट में हम फ्लो डाल के देख लेते हैं, बच्चे का ब्लड फ्लो सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। ये बच्चे की दिल की धड़कन है, ये एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है जो 30 वीक्स की आ रही है। और ग्रोथ नापने के लिए हम बच्चे का एक तीसरा पैरामीटर लेते हैं, जिसे फीमोरल लेंथ कहते हैं। फीमर क्या है? फीमर एक हड्डी है जो बच्चे की थाई में होती है, ये फीमर है। इसको हम ले लेते हैं, ये करीब 31 वीक्स आ रही है, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये मिलीमीटर में आ जाता है। हम इसको मिलीमीटर में लेते हैं, और जो कंप्यूटर मशीन में, अल्ट्रासाउंड मशीन में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इसको वीक्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ये जो काला काला आ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बच्चे के चारों तरफ पानी है, एमनियोटिक फ्लूड है। जितने भी फ्लूड होते हैं वो अल्ट्रासाउंड मशीन में ब्लैक दिखाई देते हैं, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हाइपोइकोइक लाइट ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली अल्ट्रासाउंड मशीन इन सबको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड मीन एज जो आ रही है 31 वीक्स की आ रही है, मतलब बच्चे की 8वें महीना चल रहा है, और बच्चे का ईडीडी आ रहा है, डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो 12/11/23 आ रही है, मतलब 12 नवंबर को बच्चा पैदा होगा। इस तरह से बच्चे की ग्रोथ हम नाप लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बच्चे की ग्रोथ नापने के लिए हमने सबसे पहले बच्चे की हेड की सरकमफेरेंस ले ली, जिसे SC या हेड सरकमफेरेंस कहते हैं। इसी तरह से बच्चे की टमी की गोलाई ले ली, जिसको एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कहते हैं। इन तीनों का एवरेज लेके हमने बच्चे की ग्रोथ निकाल ली। काफ़ी लेडीज़ ये पूछती हैं कि बच्चे की हाइट कितनी है, तो बच्चे की हाइट हम अल्ट्रासाउंड में नहीं नाप सकते, क्योंकि 3 महीने तक तो हम बच्चे की हाइट नाप सकते हैं। 3 महीने के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है साइज में, कि बच्चा एक सीधी लाइन में नहीं लेटा रहता है, बच्चा फोल्डेड सा सिकुड़ा सा पड़ा रहता है, उसके हाथ और पैर आगे और पीछे रहते हैं, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो बच्चे की हम हाइट की बजाय ये तीनों पैरामीटर से बच्चे की ग्रोथ नाप सकते हैं, और जो ये ग्रोथ आती है उसको एक चार्ट में प्लॉट कर देते हैं, और देखते हैं बच्चे की ग्रोथ अल्ट्रासाउंड में जो टाइम है उसको करस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद हम चेक करते हैं जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाल है, वो बच्चे की गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई है या नहीं लिपटी हुई है। बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नेक के को रैप कर रही है या नहीं कर रही है। मोस्टली अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन के आसपास पड़ी रहती है, और ये लूजली पड़ी रहती है। अगर ये टाइट पड़ी रहती है, बच्चे की गर्दन को टाइटली इनसर्किल करती है, और इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, 2 या 3 राउंड्स होते हैं, तो ये बच्चे को गर्दन में प्रेशर डालती है, और इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। इसके बाद ग्रोथ स्कैन में हम बेबी की पोजिशन देखते हैं। अगर बेबी का सिर नीचे की तरफ है, हेड नीचे की तरफ है, तो इसे सीधा बच्चा कहते हैं, और हम लोग इसे अपनी भाषा में सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस पूरे होते हैं। अगर ये कंडीशन उल्टी होती है, बेबी का सिर ऊपर की तरफ होता है और बेबी के बटक्स नीचे की तरफ होते हैं, तो इस वाली पोजिशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, और आप लोग इस अपनी भाषा में इसको उल्टा बच्चा कहते हैं। और तीसरी एक पोजिशन होती है, जिसमें बच्चे का आड़ा होता है, बच्चे का हेड एक तरफ होता है और बच्चे के पैर दूसरी तरफ होते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाई कहते हैं। तो ये जो लास्ट की 2 पोजीशन हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन है और ट्रांसवर्सल लाई है, इसमें बच्चे की डिलीवरी में
नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चे को IUGR है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है जिसको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें हम कलर डॉपलर में क्या करते हैं, बेबी को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसको चेक करते हैं कि बेबी को प्रॉपर ग्रोथ जा रही है या नहीं जा रही है। इसमें सबसे पहले हम अम्बिलिकल आर्टरी जो बच्चे के प्लेसेंटा से निकलती है, उसमें ब्लड फ्लो डाल के देखते हैं कि बच्चे का ब्लड सप्लाई पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से माँ को दो यूटेराइन आर्टरी होती हैं, एक राइट साइड में राइट यूटेराइन आर्टरी होती है, एक लेफ्ट साइड में लेफ्ट यूटेराइन आर्टरी होती है। इसमें भी ब्लड फ्लो डाल के देखते हैं कि बच्चे को प्रॉपर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड फ्लो देखते हैं, यूटेराइन आर्टरी में ब्लड फ्लो देखते हैं, और एक तीसरी आर्टरी होती है जो बच्चे के ब्रेन में होती है जिसको मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या MCA कहते हैं। ये बच्चे को ब्रेन को सप्लाई करती है। इसमें भी हम ब्लड फ्लो डालते हैं और चेक करते हैं कि बच्चे को ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर माँ न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही है, अपने खाने पीने में दूध दही और फलों की कमी रख रही है, हरी पत्तियां कम खा रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है, CMV है, साइटोमेगालोवायरस है, तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। इसी तरह से माँ को अगर डायबिटीज है, का ब्लड शुगर हाई रहता है और दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो भी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। ग्रोथ स्कैन में बच्चे के हम चारों तरफ पानी देखते हैं जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। इसी फ्लूड में बच्चा सर्वाइव करता है, बच्चा इसी पानी को पीता है और इसी पानी को यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इस तरह से एमनियोटिक फ्लूड का लेवल मेंटेन रहता है। तो बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको हम अल्ट्रासाउंड में नापते हैं। उस बच्चे का के चारों तरफ पानी कम होना या अधिक होना, दोनों ही कंडीशन में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। तो बच्चे के चारों तरफ पानी का भी लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।